हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राम मंदिर में देरी होने पर भड़के कट्टर हिंदू, बोले बाबरी मस्जिद की तरह सुप्रीम कोर्ट भी गिरा देंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है। संविधान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान की रक्षा करना है। जाहिर है संविधान ने अपनी संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को तमाम चिंतनों के बाद ही चुना होगा। ऐसे में क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्वस्त करने की धमकी देना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा नहीं है? जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ अपमानित किया जा रहा है बल्कि उसे ढहाने की भी बात की जा रही है। नीतीश के कुशासन की शर्मनाक तस्वीर, अस्पताल में मासूम बच्चे को जूहों ने कुतर डाला, हुई मौत। नीतीश कुमार की सरकार में बिहार के चूहों पर बड़े बड़े आरोप लगे हैं। सुशासन बाबू के शासन में चूहे कुख्यात हो चुके हैं। कभी चूहे 8 लाख लीटर शराब पी जाते हैं, कभी नवजात की हत्या कर देते हैं। जी हाँ, इस बार चूहों पर नवजात बच्चे की हत्या का आरोप लगा है। सरदार पटेल के नाम पर सिर्फ तमाशा हो रहा है। 70 सालों से बीजेपी को पटेल क्या याद नहीं आए थे, पूछे खड़गे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाए जाने की सियासी स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि 70 साल बाद चुनावों से ठीक पहले ही बीजेपी को पटेल क्यों याद आए। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार पटेल के नाम पर राजनीतिक करना चाहती है। उन्होंने कहा, हम सरदार पटेल का सम्मान करते हैं, इसीलिए इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ कि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। पीएमओ ने सरदार से बड़ी मोदी की तस्वीर पोस्ट की, आरएलडी बोली, जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक पाओगे साहब। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आज उद्घाटन है। 182 मीटर ऊंची इस प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बताया जा रहा है कि यह अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के ये आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने तब सोचा था जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। इसके साथ ही पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ पोस्ट की गई। इस तस्वीर की खास बात यह है कि जिसमें 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छोटी नजर आ रही है। मोदी सरकार अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए आरबीआई की आजादी को खत्म कर रही है, बोले पी चिदंबरम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के बीच जारी तकरार को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सरकार आरबीआई की स्वायत्तता में दखल अर्थव्यवस्था से जुड़े तथ्यों को छुपाने के लिए दे रही है। चिदंबरम ने बुधवार को आरबीआई अधिनियम की धारा 7 का उल्लेख किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हताश है और अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्यों को छुपा रही है। सरदार की मूर्ति दिखाकर मोदी ने देश से वसूल किया टैक्स, गैस सिलेंडर का दाम 2.94 रुपए बढ़ाया। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी करने के बाद अब सरकार ने जनता की जेब ढीली करने का दूसरा तरीका ढूंढ निकाला है। सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बुधवार को 2.94 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गई। सिलेंडर के आधार मूल्य में बदलाव और उस पर टैक्स बढ़ने से दाम में वृद्धि हुई है। सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में जून से ये छठी वृद्धि है। सिलेंडर के दाम बढ़ाकर मोदी ने जेब काट ली, मगर मीडिया कह रहा है जेब की ओर नहीं मूर्ति की ओर देखो। बुधवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक बयान जारी कर बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर 820 से बढ़कर 880 रुपए को हो गया है। देश भर में लगभग हर राज्य में 80 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहे पेट्रोल के बाद ये बढ़ोतरी आम जनता की जेब पर महंगाई की नई मार है।
बीजेपी नेता बोला, महंगी साड़ियां बांटकर चुनाव जीत लूंगा और मोदी जी को 100 करोड़ देकर मंत्री बन जाऊंगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने मंत्री पद पाने को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 करोड़ रुपए देने होते हैं। बिसेन के इस खुलासे का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बालाघाट से विधायक गौरी शंकर बिसेन साफ कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से 100 करोड़ रुपए में केंद्रीय कृषि मंत्री और वन राज्य मंत्री के पद का ठेका लिया है। सिर्फ अपने बेटे की नहीं, देश की सुरक्षा करें अजित डोभाल, शौर्य डोभाल के कंपनी पार्टनर्स का नाम बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल पर पिछले दिनों कई आरोप लगे थे। दरअसल शौर्य डोभाल के इंडिया फाउंडेशन में मोदी सरकार के मंत्रियों के शामिल होने और फाउंडेशन को देशी विदेशी कंपनियों से लाभ पहुंचने का दावा किया गया था। अब शौर्य डोभाल एक बार फिर से चर्चा में है। शौर्य डोभाल भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य है। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि शौर्य डोभाल उत्तराखंड से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी विधायक बोले, जो भी पार्टी के खिलाफ बोलता है सीबीआई ईडी उसके पीछे पड़ जाती है। बीजेपी के अपने विधायक ने इस बात की तस्दीक दी है कि जो भी पार्टी के खिलाफ बोलता है सरकारी जांच एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती है। गोवा में बीजेपी के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा ने कहा कि अगर वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई और ईडी के छापेमारी का सामना करना पड़ेगा। बुधवार को मीडिया से बता करते हुए डिसूजा ने कहा, अगर मैं पार्टी के खिलाफ बोलता हूं तो मेरे ऊपर आईटी, सीबीआई और ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियां छापा मार सकती है। मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अस्थाना और उर्जित मोदी के आदमी थे लेकिन अब विरोधी हो गए हैं, इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार हैं। सीबीआई के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मोदी सरकार के बीच तकरार को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। विपक्ष से लेकर कई पत्रकारों तक ने इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इसी क्रम में अब वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी ट्विटर के जरिए इस पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने देश के बड़े संस्थानों में जारी घमासान के लिए साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केशव ने कहा, कांग्रेस ने सरदार पटेल को पीएम नहीं बनने दिया। कुमार बोले, इसीलिए चुनाव में उन्हें वोट दे। सरदार पटेल के नाम पर बीजेपी अपने सियासत चमकाने में कोई कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही। वो लगातार कांग्रेस पर सरदार पटेल को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। अब इसी क्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद की वजह से सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। मोदी के वाराणसी में लाचार दिखी योगी की पुलिस, डिस्काउंट न देने पर मॉल में फायरिंग, दो की मौत। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की खास नजरों के बावजूद वाराणसी में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगने लगा है। ताजा मामला वाराणसी की डीएमएसपी के दफ्तर से कुछ ही दूर स्थित जेएचवी मॉल का है, जहां एक कस्टमर और शोरूम कर्मचारी के बीच इस कदर विवाद बढ़ा कि मॉल फायरिंग हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। दरअसल शाम 4 बजे दिवाली की शॉपिंग करने जेएचवी मॉल पहुंचे हुए इस मॉल में एक शोरूम में डिस्काउंट को लेकर एक शख्स के साथ विवाद हो गया। उमा भारती ने खाई राम मंदिर बनाने की कसम, लोग बोले, गंगा सफाई वाली कसम का क्या हुआ। चुनावों के करीब आते ही राम मंदिर निर्माण को लेकर बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता है। उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर को लेकर जो माहौल बना है वो इसलिए बना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है। रेटिंग एजेंसी S&P ने बजाई मोदी सरकार की घंटी, बोली, लाखों करोड़ डूब गए, अब अर्थव्यवस्था सुधारो।
विश्व में विश्वसनीय छवि बनाने और भारत में दुनिया भर के लोगों का भरोसा बढ़ाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों का भरोसा घट गया है। ये बात अब विश्व की जानी मानी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स ने भी कह दी है। एजेंसी ने कहा कि भारतीय वित्तीय बाजार पर लोगों का भरोसा घट रहा है क्योंकि नॉन बैंकिंग कंपनियों का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। गौरतलब है कि भारत की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग कंपनी IL&FS बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।